चतुर सिंह टू स्टार्स निवास। मैं A1 रेफ्रिजरेटर से बोल रहा हूँ। आपने फ्रिज बुक कराया था? हाँ बुक कराया था, प्लीज जल्दी भेजेगा, गर्म पानी पी पी के हम लोग थक गए। एड्रेस बताइए। एड्रेस 32/24 पुलिस कॉलोनी दादर वेस्ट। थैंक यू सर। बॉस ये तो यादव का नंबर है, पिछली बार भी हमने जब मिक्सी बुक कराया था आपने यादव का एड्रेस दे दिया। ये मैं आप भरते रहे और मिक्सी एंजॉय करता रहा। यादव ये क्या कर रहे हैं आप? पप्पू तू भूल गया, कर्नल शक्की हमेशा ये कहते थे कि एक महान जासूस को अपना नाम और पता कभी नहीं बताना चाहिए। जासूसी का पहला सूत्र, दाएं हाथ के समोसे को यह मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि बाएं हाथ की चाय में कितनी शक्कर पड़ी है। बॉस वो सब तो छोड़ दो, ये आप मुझसे क्या करवा रहे हो, बार बार आपके ऊपर अटैक करना वगैरह, आई डोंट लाइक दिस। पप्पू एक मशहूर जासूस को 24/7 अलर्ट रहना चाहिए। अभी आ बॉस। कहाँ जा रहा है? बॉस दरवाजा खोलने दूध वाला होगा। बिना प्रोटेक्शन के? कौन है तू? तेरा नाम क्या है? तेरा धाम क्या है? तेरा एड्रेस क्या है? तेरा फोन नंबर क्या है? कंट्रोल कंट्रोल बॉस। सॉरी सॉरी। कौन है? अपना नाम है सरकार, दिलीप कुमार यादव। बोल यहाँ क्यों आया बब्बन? बब्बन नहीं सरकार, दिलीप कुमार यादव। बब्बन कौन है बॉस? मेरे लिए हर क्रिमिनल बब्बन ही है। इसमें तू क्या लाया है बब्बन? दूध है सरकार, दूध। दूध? दूध में क्या मिलाया है? कुछ नहीं मिलाया सरकार। क्या मिलाया है? पानी पानी। दूध में पानी नहीं, जहर मिला है। शिकारी खुद शिकार हो गया, जहर का असर आस्ते आस्ते चल रहा है। पप्पू पूछो से कैसा लग रहा है बब्बन? बड़ा मजा आ रहा है सरकार, दुई ब्रेड और मिल जाती तो पूरा नाश्ता यही हो जाता। बॉस तो एंजॉय कर रहा है। चतुर भैया कल दूध वो यही लाई या घर पे ही कटक ले? तुमको कैसे पता चला मैं चतुर हूँ? वो मुनवा बता इस रहा कि चतुर भैया बिल्कुल चतुर हैं, बच्चों की तरह। जाता या गोली मार दूँ? अरे भैया साहब बचाइए। कौन है तुम? यहाँ पे कैसे? निकल जाओ गेट आउट। जीनियस पप्पू। हाँ मेरे नाम भी जानते हो? बॉस आप पहचान भी नहीं है बॉस? वाह पप्पू बोलो मैं कैसा लग रहा हूँ? बोलूंगा तो मारोगे तो नहीं ना? पगले बोल मैं कैसा लग रहा हूँ बोल। बिल्कुल दल्ले लग रहे हैं। बट एकदम दल्ले लग रहा हूँ। इडियट मैं जेब कतरा हूँ, जेब कतरा। चोर और चक्के के क्रिमिनल पुलिस की वर्दी देखकर क्राइम करने से कतराते हैं, इसलिए मैं बार बार डिफरेंट डिसगाइज पहनकर बाहर जाता हूँ ताकि वो क्राइम करें और मैं उन्हें रंगे हाथ पकड़। धन्यवाद सेवा। पप्पू प्लीज, पैर क्यों पड़ रहा है पप्पू प्लीज? बॉस आपका बैग इसमें आपका वर्दी है और आई कार्ड भी है। ये वस्तु विस्फोटक हो सकती है, इसका मतलब ये है कि किसी भी लावारिस चीज के अंदर बम हो सकता है। अरे
अरे वाह, लगता है ऊपर वाले ने आज अपुन की सुन ली। पहलवान, माल मिलेगा क्या? मैं आखिरी बार बोलता हूँ, मैं तल्ला नहीं जेब कतरा हूँ। जेब कतरा? सुनिए, मैं जेब कतरा हूँ। मैं जेब कतरा हूँ। ओके, यहाँ हो तू तारू पर सामान अंदर नहीं की दूरी माना। लावारिस डिब्बा, जरूर इसमें बम है। इसके अंदर बम है। भाई ये तो आटा है। हेलो हेलो, घबराने की कोई बात नहीं, ये एरिया सुरक्षित है। अरे कहाँ का सुरक्षित, मेरा सारा आटा गिरा दिया, गोरी गांव से पिसवा कर लाया था, आने का भाड़ा, जाने का भाड़ा, गेहूं की कीमत, आटे की कीमत, निकाल 500 दे उसका पैसा, चल जल्दी। अरे मेरा बैग, भाई साहब वो जेब कतरा लेके भाग गया। क्या क्या जेब कतरा? अभी जब से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था मैं जेब कतरा हूँ, मैं जेब कतरा हूँ, अभी दूसरे के ऊपर बोल रहा है। भाई साहब मैं जेब कतरा नहीं, पुलिस वाला हूँ। पुलिस वाला? ए ला भाई, अपने को उल्लू बना रहा है, मारो सारे। सब लोग ठीक से मुर्गा बन जाओ, ठीक से मुर्गा बन जाओ। साहब नया पकड़ा हाथ लगा है, उसको भी मुर्गा बना रहे हैं। मुर्गा क्यों? ये साहब का नया स्टाइल है। चल चल फौरन मुर्गा। महिला कौन है रे तू? तेरे को जानता हूं मैं, कौन है? बोल 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 कौन है? कौन हूं मैं? नहीं बताऊंगा। महिला आवाज भी सुनी सुनी सी लगती। देख देख बोल, जल्दी बोल दे कौन है, नहीं तो गोली मार दूंगा। बोल कौन है तू? गोली मारो या जान से मारो, नहीं बताऊंगा। देखो मैं तुमको जानता हूँ, बताओ कौन हो तुम? तू मुझे जानता है, मैं तुझे जानता हूँ। तू दगड़ू चाल का दगड़ू है ना, यही नाम से तेरी बीवी तुझे पुकारती है। प्राइवेट लाइफ का प्राइवेट नाम भी जानता है। ये तो छोड़, 15 साल पहले दहेज में तुझे एक लाल स्वेटर मिला था, वही पहन के तू गर्मी में घूमता है ना देवानंद की तरह। आयला स्वेटर तक पहुंच गया। अरे स्वेटर तो छोड़, ये पैंट के नीचे जो तू नायलॉन की चड्डी पहना है ना, इसके बारे में भी मैं जानता हूँ। चड्डी? अरे मेरे बारे में इतना सब कैसे जानता है तू? सर मैं बताता हूँ। सर आप तो पहचानो, चतुर सिंह टू स्टार। डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, रिलैक्सेशन, टेंशन, लाफ्टर। कौन सी गोली दो सर? These goalies are thing of the past, Kulkarni. अब पुलिस कमिश्नर आर के सिन्हा को इन गोलियों की जरूरत नहीं है। मैं ये गोलियां किसकी वजह से खाता था? नहीं बताओ बताओ, किसकी वजह से पुलिस कमिश्नर सिन्हा को ये गोलियां खानी पड़ती थी? चतुर सिंह टू स्टार। चतुर सिंह टू स्टार? लेकिन चतुर सिंह टू स्टार 10 दिन से गायब है, उसकी किसी नई हरकत की भी कोई खबर नहीं आई है। लगता है उस बेवकूफ को अपनी बेवकूफी का एहसास हो गया है और अपने गाँव चला गया है। राइट सर। तुम्हारा फोन बज रहा है, फोन उठाओ। आपका बज रहा है सर। मेरा फोन डेड है। लैंडलाइन सर। लैंडलाइन फोन बज रहा है। हेलो इंस्पेक्टर यादव रिपोर्टिंग सर। हाँ यादव बोलो, क्या हाल है, घर में कैसे हैं? सब ठीक, माँ बाप, बीवी, बच्चे एंड गर्लफ्रेंड? सब फर्स्ट क्लास है सर, लेकिन मेरी हालत खराब हो गई सर। क्या हो गया तुम्हारी हालत को? चतुर सिंह सर। चतुर सिंह? क्या किया चतुर सिंह ने? क्या नहीं किया सर, क्या नहीं किया, पूरा चौकी को हिला डाला है उसने सर।
चौकी हिला डाला। एक मिनट होल्ड करो, गोली दो। कौन सी? लाफ्टर की। होल्ड करना भाई, होल्ड करना। अब बताओ क्या किया चतुर सिंह ने? जेब कतरा बन के पहले रेलवे स्टेशन गया था। जेब कतरा बन के रेलवे स्टेशन गया था चतुर सिंह। फिर ना आईडी था ना वर्दी, ना आइडेंटिटी कार्ड ना वर्दी चतुर सिंह। प्लेटफॉर्म में आटे के डब्बे को बम बताकर लोगों में डर पैदा किया। आटे के डब्बे को बम बनाकर डर पैदा कर दिया प्लेटफॉर्म में। फिर और तो और सर, मेरे सामने मेरे थाने में 2 घंटा बैठा था, नाम नहीं बताया सर। सर मेरा दिमाग दिमाग फट रहा है सर, मैं पागल हो जाऊंगा सर। तुम पागल नहीं होगे, लेकिन मैं पागल हो गया। ऐसा लगता है गुस्से के मारे में मेरे शरीर के अलग अलग कोने में छोटे छोटे एटम बम फूट रहे। सर प्लीज कंट्रोल सर, बीपी। मैं चतुर सिंह को गोली मार दूंगा। गोली मार दो सर, मैं फांसी पे चढ़ा दूंगा। इसको फांसी पे चढ़ा दो सर। मैं इसके शरीर में जहर के इंजेक्शन ठोक दूंगा। मैं ठोक दो सर, जहर का इंजेक्शन ठोक दो उसको। टेक इट इजी सर, प्लीज होल्ड मी। ये गले लगा मैं झुका। अब छोड़ दो, किसी का बैग चुरा के जा रहा था, जब मैंने इसको पकड़ा तो कहने लगा किसी बेवकूफ ने इसके हाथ में दिया है। बॉस इतना बड़ा बेवकूफ कौन होगा? शकल दिखाओ। आप अपुल का चेहरा देखकर खुश नहीं होंगे माई बाप। बॉस आप इसको जानते हैं? मेरा मतलब है ये शक्ल से ही जेब कतरा लगता है। तुझे पता है तेरी वजह से वो मासूम आदमी कितने प्रॉब्लम में आया? बॉस आप उस बेवकूफ को भी जानते हैं? अरे वो बेवकूफ नहीं है, मैंने इस पे भरोसा किया। मैंने? मैंने नहीं, वो आदमी ने इस पे भरोसा किया। इसको अंदर कर दूं? यस यस। अबे चल तेरे को अंदर कर। एक मिनट, उसको भी मुर्गा बना दे। इसे मुर्गा बनाओ। मुर्गा? मुर्गा? ये 3rd degree का एक नया टेक्निक है। माय बाप, छोटे मुंह एक बड़ी बात बोलूं? नहीं, बड़ा मुंह छोटी बात बोल। बोल! माय बाप, ये मुर्गे वाला आइटम है ना, ये बहुत ही पुराना है। आजकल मार्केट में एक लेटेस्ट आइटम आया है। अच्छा? हाँ, हवाई जहाज बनाने का। फिर शुरू करो। आ गए, आ गए, आ गए, आ गए कुर्सी साहब। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप फील करिए कि आप हवाई जहाज में बैठे हैं। टांग पे टांग रख लीजिए। हाँ, तो यात्रीगण अब आप अपनी पेटियां बांध लीजिए। हाथ बांधो, हाथ 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 जल्दी जल्दी। हाँ, ये लीजिए पैसे, हवाई जहाज। टेक ऑफ हो गया? नहीं बॉस, लैंड हो गया, वो भाग गया। मैं जाके उसको पकड़ के लेके आऊं। ऐसे आदमियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। यू आर राइट बॉस। वाह, क्या लिखा है? क्या लिखा है बॉस? पप्पू, काश तू पढ़ा लिखा होता और कर्नल शक्की की ये नॉवल उड़ती मेम चिपकता सांप पढ़ा होता। इसमें कर्नल शक्की ने किडनैपिंग के बारे में डिस्कस किया है कि किडनैपिंग एक आदमी नहीं, पूरी गैंग करती है। ओह बॉस, व्हाट अ थ्योरी। पप्पू। यस बॉस। अगले जितने भी किडनैपिंग केसेस आएंगे ना, हम कर्नल शक्की की इसी नॉवल से सॉल्व करेंगे। बॉस, व्हाट एन आइडिया। कर्नल शक्की, कौन किडनैप हुआ है? माय कैट, मेरी बिल्ली। बिल्ली? बिल्ली का नाम? आई हैड अ कैट कॉल्ड सिल्की। तू गा के क्यों बोल रहा है? मैं म्यूजिशियन हूँ। और कैसे बात कर रहे हो आप, जानते हो कौन हूँ मैं? कौन है बे? बे ओल्ड मैन, आई एम इंडस्ट्रीज नंदा इकलौता सन कबीर नंदा। अरे आप नंदा साहब के बेटे? साहब साहब, किडनैपिंग का केस आया साहब। बॉस 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 बॉस, किडनैपिंग का केस आया। किधर है? किधर है? बॉस इधर इधर इधर। देखना, मैं एक केस 3 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। साहब ये बहुत बड़े इंडेक्स। जब तक बॉस केस सॉल्व नहीं करते हैं, कोई नहीं बोलेगा। पिन ड्रॉप साइलेंट, फिंगर ऑन लिप्स। यही किडनैपर है। क्या करते हो तुम? आई एम अ म्यूजिशियन, मेरा बैंड। <laughs>
बैंड बोलता है। कौन कौन है तुम्हारे गैंग में, बैंड में? मी, सैंडी एंड अ स्वीट बॉय मैंडी। ये मी है, सैंडी और एक स्वीट बॉय मैंडी। कौन और कहां से किडनैप हुआ? सिल्की फ्रॉम कार्टर रोड। इसी ने सिल्की को किडनैप किया और मैंडी कहा था। He was driving his red hot Ferrari. मैंडी फरारी लेके वहां आया। इसने और मैंडी ने सिल्की को फरारी में डाला और फरारी में फरार हो गए। और सैंडी कहा था? He was in his go down a place in Bhiwandi. इन दोनों ने सिल्की को गाड़ी में डाला और सैंडी के गोडाउन भिवंडी में बंद कर दिया। अरे देव। यस सर। नो। अरे चली जा। दोनों दोनों को ढूंढो। अरे देव मैं बोलता हूँ। एडी। अरे चली जा। एडी को पाला। अरे देव मैं बोलता हूँ। नहीं छोडूंगा। पानी में चला दो। अरे देव। 3 मिनट के अंदर आपने केस सॉल्व किया बॉस। 2 मिनट 40 सेकंड। धन्यवाद सेवा का। बॉस आपका नॉवल सर कटी लाश। मंत्री जी का फोन है। नॉक सर। यस मंत्री जी, पुलिस कमिश्नर आर के सिन्हा सिंह। गुड मॉर्निंग टू यू सर। एक मिनट सर। इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। अगर आप मेरी तारीफ के पुल बांधना चाहते हैं तो सर कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मुझ पर फक्र और नाज करना चाहते हैं तो सर उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी पुलिस कमिश्नर ने किया सर वो उसका कर्तव्य था। लेकिन इसके बावजूद अगर आप मेरी तारीफ करना चाहते हैं तो सर खुल के करिए। एक मिनट जरा स्पीकर पर फोन रख रहा हूँ। शट अप सिन्हा, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। मैंने ये फोन तुम्हारी तारीफों के पुल बांधने के लिए नहीं, तुम्हारी धज्जियां उड़ाने के लिए किया है। हाँ जी, धज्जियां क्यों उड़ाएंगे, मैंने क्या किया है? ये चतुर सिंह नाम का प्राणी कौन है? चतुर सिंह? क्या किया चतुर सिंह ने सर? उस बेवकूफ ने मशहूर बिजनेसमैन नंदा के बेटे को जेल में डाल दिया। तुम्हें मालूम है नंदा कितना बड़ा आदमी है? सर आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं चतुर सिंह को गोली मार दूंगा सर। उसको मैं उसको फांसी में चढ़ा दूंगा और उसका जहर वाला इंजेक्शन मैं उसकी ठोक दूंगा सर। प्लीज तुम मुझे इंजेक्शन लगाओ। चतुर सिंह 2-स्टार रिपोर्टिंग सर। अगर तुम्हारा पांव मेरे पांव पर आ गया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, फांसी पे चढ़ा दूंगा और जहर का इंजेक्शन ठोक दूंगा। और ये रेनकोट पहनकर क्यों आए हो? सर ये रेनकोट नहीं है सर, मिशन का कोट है। आप मुझे मिशन बताइए, टाइम वेस्ट ना करें। मिशन क्या है? मिशन इंडस्ट्रियलिस्ट नंदा सर। मिशन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंडस्ट्रियलिस्ट नंदा के बेटे को गिरफ्तार करने की? हाँ सच बोलूं सर, पहले तो हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन भगवान की कृपा से और आपकी आशीर्वाद से मिशन पूरा हो गया। वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें जलील कर रहा हूँ। तुम्हें बुरा लगना चाहिए। बुरा लगना चाहिए सर? क्या आप मुझे जलील कर रहे थे? अरे मैं इसे किस भाषा में समझा था? 10:30 बज गए सर। 10:30 बज गए सर। लगता है हमें कोई सुन रहा है। यहाँ? यही रूम में। It's okay. हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा सर, ये एरिया सुरक्षित है। चतुर सिंह 2-स्टार, you are suspended for 15 days. Okay सर। कर रही था आपकी बारी। हम सब एग्रीकल्चर मिनिस्टर वाया सिंह के घर के बाहर खड़े हैं। 500 करोड़ के गन्ने के घोटालों में हाईकोर्ट ने उनकी बेल एप्लीकेशन रद्द कर दी है। इस साल के गन्ने की फसल सरकारी गोदाम में है, पर गन्ने का जूस कहाँ बेचा गया है इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। नेताजी के जेल जाने में बस अब कुछ ही टाइम बचा है, पता नहीं क्या होगी उनकी हालत।
अरे ओ गधू, सारा सामान ठीक से पैक करना, कौनो चीज रहना नहीं चाहिए। सब कुछ पैक कर, आपके कपड़े, आपके जूते, आपका चवनप्राश, आपका एयरपोर्ट भी। अरे तो रो काहे रही हो, अरे जेल ही तो जा रहे हैं, आजकल तो सभी मंत्रियों को जेल जाना ही पड़ता है। पर आप कब तक? अरे परवर कुछ नहीं, हमारा लक्की लाल रुमाल नहीं भूलना। हम तुम्हारे बगैर रह सकते हैं, लेकिन लाल रंग के बिना बिल्कुल नहीं। घूर घूर के क्या देख रहे हो? कभी तंदूरी चिकन नहीं देखा का? सब बाहर लोगों को लग रहा है कि आपकी कंडीशन बहुत सीरियस है। मैं मीडिया वालों को क्या बीमारी बताऊं? अरे कहने में क्या जाता है, कुछ भी कह दो। भैया आज हमारी बात मान लो, चीटी की सिटी कह रही है कि आपको एड्स हुआ है। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए हम। अरे चुप गधू। ए सोनिया, तुम सेक्रेटरी हो, मीडिया को संभालो, कुछ कहो, कुछ बताओ। एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाय बाय सिंह सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। उन्हें देश में किसी से खतरा नहीं है, लेकिन उनके जैसे नेताओं से देश को बहुत खतरा हो सकता है। ये पुलिस डिपार्टमेंट की बदकिस्मती है कि हमें उन जैसे नेताओं को सिक्योरिटी देनी पड़ती है। या तो मैं चाहता हूं कि नेताजी की सिक्योरिटी का काम तुमको सौंपा जाए। सर ये चार्ज लेते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है सर। वेरी गुड। और छोड़ते हुए उतना अफसोस। मतलब? सर इस हफ्ते मेरी वाइफ की डिलीवरी है सर। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी बीवी का बच्चा होने वाला है? मुझे भी कल ही पता चला सर। कल ही पता चला? ओके, बाकर ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। यस सर। गुड सर। पर नो सर। व्हाई सर? इस हफ्ते मेरा पाइल्स का ऑपरेशन है सर। तुमने बताया नहीं कि तुम्हें पाइल्स है? आपको यकीन नहीं हो रहा सर? आप देखना चाहेंगे? नहीं, यादव को दिखाओ। क्या सर? पाइल्स। ओके सर। ओके, तो और किसके क्या क्या बहाने हैं मुझे बताओ, बताओ। मेरी बहन की शादी है सर। सर मेरी बहन को बच्चा हुआ सर। सर मेरी बहन के बच्चे की शादी है सर। कोई तो ऐसा ऑफिसर होगा जो नेताजी की सिक्योरिटी में जा सकता है कि नहीं? सर एक है। कौन? नॉन करप्ट, नॉन इंटेलिजेंट एंड फुल ऑफ नॉनसेंस, जिसे आपने सस्पेंड किया हुआ। मगर ऐसा कौन है? चतुर सिंह बूस्टर। Sing, Chatur Singh coming, swing that thing. Drum beats drumming, kiya gaya king. Sitar Singh strumming, now you're gonna meet a shana. Dil diwana kinda guy, so wham bam bam. Pop off clever, slam dam dam. Hamesha and forever, pump up the jam. And you will never say never. So I sing, you sing, we all sing. Chatur Singh, sing, sing. Doing the same thing. He's the king with the same thing. Not a puppet on a swing thing. So I sing, you sing, we all sing, Chatur Singh, sing, sing. Doing the same thing. He's the king with the same thing.
not a puppet on a swing thing. भैया तुझे है फिकर कि बेवफा है सैया बुलाओ से घर डोंट वरी अबाउट रुपया कॉज ही इज अ प्यारा यारा सीधा साधा दिल वाला काइंड ऑफ गाय हाय हाय हुज इन नो हरी सो व्हाई आर यू सो सॉरी बाय 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 यू नेवर हैव टू वरी सो आई सिंग यू सिंग वी ऑल सिंग चतुर सिंग 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 doing the same thing he's the king with the same thing not a puppet on a swing thing Sing, you sing, we all sing, Chatur sing, sing, sing. Doing the same thing. He's the king with the same thing. Not a puppet on a swing thing. Chatur sing, sing, sing. Doing the same thing. He's the king with the same thing. Not a puppet on a swing thing. Sing, sing. Doing the same thing. He's the king with the same thing. Not a puppet on a swing thing. सिन्हा क्यों बुलाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे सिन्हा बुलाने की? मैंने कुछ नहीं कहा सर, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे सिन्हा बुलाने की? आप शायद भूल रहे हैं कि आपने मुझे 15 दिन के लिए सस्पेंड किया था, आज सिर्फ 14 दिन। अरे वो तो मुझे तुम पर तरस आ गया, इसलिए मैंने तुम्हें नौकरी पर वापस बुला लिया। इन दैट केस चतुर सिंह रिपोर्टिंग सर। अरे अगर तुम्हारा पांव मेरे पांव पर आ गया तो देख लेना। चतुर सिंह तुम्हें एक जरूरी काम पर जाना है। डॉक्टर पान वाले और इंजीनियर काम पे जाते हैं सर, एक जासूस मिशन पे जाता है। आपने ऐसा बोला कैसे? मेरा मतलब सर, चुप करो। मेरा मतलब वो नहीं था भाई, मिशन ये है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर वाईवा सिंह अस्पताल में दाखिल हो गया है, उसकी जान को किसी से खतरा नहीं है। तुम्हें एक अच्छे चौकीदार की तरह एक अच्छी कुर्सी देकर उसके कमरे के बाहर बैठ जाना है, बस चौकीदारी करनी है, कोई होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, समझे? ये मिशन खतरों से खाली नहीं है, लेकिन खतरों से खेलना चतुर सिंह का शौक भी है और पेशा भी। काम हो जाएगा सर। ओके, गुड गुड गुड। 12:30 बज गए सर। 12:30 बज गए सर। 12:30 बज गए। लगता है हमारी आवाज कोई सुन रहा है। कोई नहीं सुन रहा है हमारी आवाज। कुछ फाड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ तोड़ने की जरूरत नहीं है। गेट आउट चतुर सिंह। इन दैट केस चतुर सिंह गेटिंग आउट सर। पेशेंट वाई सिंह कौन है? कौन है? अरे हम हैं, दिखाई नहीं देता क्या? जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। पप्पू महान डिटेक्टिव चतुर सिंह टू स्टार, आपकी सुरक्षा इनकी जिम्मेदारी है। हाँ ठीक है ठीक है, बाहर बैठो, चलो। इससे पहले मुझे पूछताछ कर लेने दो। एक्सक्यूज मी, आप कौन है?
जी मैं ओ जासूस, ये हमार बीबी है। आपके हाथ में क्या है? ये तो ऑरेंज जूस है सर। पप्पू, इसे फॉरेंसिक लैब भेज दो टेस्टिंग के लिए। यस बॉस। हमारी बात कोई सुन रहा है? मैंने कहा था ना, खड़े होके कोई सुन रहा है। अरे गधू, ये भाई है। अरे कौन से कंपनी का भाई? चतुर सिंह के होते हुए किसी भाई से डरने का नहीं। अरे हमार भाई है। राइनो, गर्मी हो रही है, पंखे का स्विच कहाँ है? बॉस, यहाँ पे बहुत सारे स्विचेस है। भैया की तो सीटी बज गई। क्या बोल रहे हैं? लगता है फोर्ड में बात कर रहे हैं। That's unique. स्विच बंद करने के लिए बोल रहा है। अबे कौन है ये पागल? बाहर निकाल इसको, बाहर निकाल। सर मेरी बात तो सुनिए। अरे तू हमारी बात सुन। अरे तू यहाँ से बाहर चला जा, बाहर निकल जा, और हम तुमको गोली मार देंगे। चलो जाओ। लेकिन आपकी सुरक्षा हमारी। फाड़ में गई हमारी सुरक्षा। तू बाहर से निकल, चल यहाँ से। देख इधर गोली भी चले तो अंदर मत आना। अरे हम मर भी जाए अंदर मत आना। तुम अंदर मत आना, मत आना। अरे दीदी आप रो क्यों रही है? घर में चोरी हुई है क्या? ट्रेडमिल, प्लाज्मा, सोफा, पेंटिंग, सब कुछ तो है। अरे डीवीडी प्लेयर भी है। फिर तेरे जीजू। नहीं जीजू, आप हमें चोट नहीं, 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 वो मरी नहीं, वो जिंदा है। वो तो चोरी हो गए। जिम से एक्सरसाइज करके बाहर निकल रहे थे तो गुंडे उन्हें उठा कर ले गए। ये कौन है? तेरे जीजू तुम्हें। हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सोनिया। कौन बोल रहे हो तुम? चार्ली। जीजा जी की बहुत फिक्र हो रही है। नहीं, अगर मेरे जीजा जी को कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तो नहीं सोनिया, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे, बहुत ही खतरनाक लोग हैं। जीजू आप ठीक तो है ना? हेलो, आप जिंदा है ना? हाँ, पर प्रोटीन शेक के बिना 6 घंटे से 1 ग्लास लस्सी तक नहीं पूछी इन्होंने। जीजू देखो, आप तो मुझे जानते हो ना, आप बिल्कुल घबराना नहीं, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। और चैपलिन को फोन देना। चैपलिन जी, बात कीजिए ना। हाँ चैपलिन। चार्ली, हो रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? वाई वाई सिंह। वाई वाई सिंह? हाँ सोनिया, इनकार मत करना प्लीज, वरना तुम्हारे जीजा जी की मौत का हमें भी अफसोस होगा। एक्चुअली हम वाई वाई सिंह के साथ एक छोटा सा खेल खेलना चाहते हैं और उसमें तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनो सोनिया, सिटी हॉस्पिटल वीआईपी सुइट जहाँ पर वाई वाई सिंह को एडमिट किया गया है, तुम्हें बस उन्हें बालकनी तक लेकर आना है। दैट इज इट, सिंपल। ये क्या बकवास है, मेरे कहने पे वो ऐसा क्यों करेंगे? बिल्कुल करेंगे सोनिया। सोनिया तुमने कभी खुद को देखा है आईने में? कितनी खूबसूरत लगती हो तुम। खूबसूरत चेहरे के साथ अगर तुमने लाल रंग की साड़ी पहन ली तो वाई वाई सिंह बालकनी तक तो क्या बालकनी से कूद भी जाएगा सोनिया। और अगर ये सब करने से इनकार करूं तो? टोनी, सोनिया मुझे बचा लो, ये जो कहते हैं वो करो, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। देखो चाली, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन मेरे जीजा जी को कुछ नहीं होना चाहिए। और हाँ, टाइम टाइम पे उन्हें प्रोटीन शेक मिलना चाहिए और विटामिन, और विटामिन भी। That's like a good girl, सोनिया। और हाँ सोनिया, याद रखना लाल साड़ी। नाम क्या है आपका? सोनिया। सोनिया, ब्यूटीफुल नेम। आपका वाई वाई सिंह के साथ क्या रिश्ता है?
मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। अब क्या आप मेरी तलाशी भी लेंगे? दिल तो बहुत चाहता है लेकिन यू आर क्लीन, आप जा सकती हैं। क्या मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? चतुर सिंह। चतुर सिंह, नाम तो याद रहेगा ना आपको? ऑफ कोर्स, नाउ आई विल गो। फिर कब मिलेंगे? किस्मत खराब हुई तो बहुत जल्द। गॉड विलिंग। बॉस, आपने उस लड़की की तलाशी क्यों नहीं ली? वो क्रिमिनल लगती है पप्पू। आप ये बात इतनी दावे से कैसे कह सकते हैं? मैंने उसकी आंखों में देखा है, इतनी मासूम आंखों वाली लड़की क्रिमिनल नहीं हो सकती। दंडबाग सेवक। पप्पू प्लीज, प्लीज पप्पू। बॉस आपका डंडा। आउच, ये तो मुझे देख ही नहीं रहा। ऐसे क्या देख रहे हो सर? आप तो मुझे जानते हो ना, ये चेक और ये फाइल तो मैं आपको खड़े खड़े दे सकती हूँ, तो प्लीज मुझे आपके बगल में बैठने के लिए प्लीज फोर्स मत कीजिए। अरे बैठो ना सोनिया। सर, आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? अरे तुम तो इतनी अच्छी लग रही हो कि हमें बुरा बनना पड़ेगा। To pull out.
अंदर फायरिंग चल रही बॉस। घबराओ मत पप्पू, एक्शन पिक्चर देख रहे होंगे। राम बाबू। राम बाबू ने रैम्बो। आई नो दैट। सिंह के मर्डर के इल्जाम में उनकी पर्सनल सेक्रेटरी सोनिया वर्मा को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनिया मौकाए वारदात पर मौजूद थीं, पर कत्ल की वजह अभी तक साफ नहीं हुई। वाईवाई सिंह की कातिल सोनिया चतुर सिंह की हिरासत में है। ये केस बहुत नाजुक है। मुझे डर है कि चतुर सिंह फिर कोई बेवकूफी ना कर बैठे। लेकिन ये चतुर सिंह है कहाँ? चतुर सिंह टू स्टार रिपोर्टिंग सर। अगर मेरे पांव पर तुम्हारा पांव आ जाता तो मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। मुझे भी आपसे कोई जरूरी बात करनी है। मैं कुछ सोच रहा था। मैं भी कुछ सोच रहा था। मैं किसी के बारे में सोच रहा था। मैं भी किसी के बारे में सोच रहा था। अरे मैं सोनिया के बारे में सोच रहा था। क्या ये उम्र में आप सोनिया के बारे में सोच रहे हैं सर? अरे शट अप, मैं उस एंगल से नहीं सोच रहा था। 3 दिन के बाद अदालत में सोनिया की पेशी है और उसे वहां पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सर सोनिया बेगुनाह है, वो कातिल नहीं है सर। अरे वो कातिल है या बेगुनाह है इसका फैसला अदालत करेगी, लेकिन उसे बिना किसी लापरवाही के अदालत में पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी मैं पूरी जिंदगी निभाऊंगा सर। चतुर सिंह गेटिंग आउट। साहब ये फाइल। अरे बोलो सर। जी कहिए, किससे मिलना? सोनिया जी से, मैं उनका वकील हूँ। थैंक यू। कैसी हो सोनिया तुम? कौन हो तुम? मेरा नाम टोनी है और मैं कोई वकील नहीं हूँ। मुझे चार्ली ने भेजा। ये कहाँ फंसा दिया तुम लोगों ने मुझे? अगर मुझे मालूम होता कि लोग वाईवाई सिंह को मारने वाले हो तो मैं इस काम के लिए कभी हाँ नहीं करती। रिलैक्स सोनिया। हाँ चार्ली तुम्हारे काम से बहुत खुश है। जस्ट शट अप। जो तुम लोग ने चाहा मैंने किया। कहाँ है मेरे जिया जी? अभी काम खत्म नहीं हुआ है। चार्ली चाहते हैं कि तुम साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो जाओ। साउथ अफ्रीका? पागल हो गए तुम लोग। बात पूरी होने दो। हम तुम्हें वहां कोई वेकेशन के लिए नहीं भेज रहे हैं। एक्चुअली वाईवाई सिंह ने गन्ना घोटाले के 500 करोड़ साउथ अफ्रीका के किसी डॉन गोलू गुलफाम के पास रखवाए। तो पार्टनर्स इन क्राइम यू नो। हम चाहते हैं कि तुम वो हीरे हमारे लिए हासिल कर दो। ऐसा क्यों करूंगी? हाँ वो इसलिए कि हिंदुस्तान के ऐसे किसी जेल में जिंदगी भर चक्की पीसने से अच्छा है कि साउथ अफ्रीका चली जाओ, एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। और मुझे यहाँ से निकालेगा कौन? चतुर सिंह खुद तुम्हें निकालेगा यहाँ से। मैं साउथ अफ्रीका मैं ले जाऊँ। इस मौके का इंतजार करो। गुड लक सोनिया। बॉस, आज आपको सोनिया को 3rd degree देना है और आपकी आंखों में आंसू अंगारे होने चाहिए बॉस, अंगारे। पगले, मैं उस मासूम लड़की को 3rd degree कैसे दूँ? देना होगा बॉस, देना होगा। आप एक पुलिस ऑफिसर हैं और आपको उसका फर्ज निभाना ही पड़ेगा। जो भी काम करते हैं ध्यान से किया कर। ये सोने आ रही है बॉस। मैं उसे क्या बुलाऊंगा? सोनिया, सोनिया जी या सोनू? आपको मेरा बचपन का नाम कैसे मालूम? एक मशहूर जासूस का यही काम होता है। और एक मशहूर जासूस का ये भी काम होता है ना मुझे 3rd degree देना। तो लीजिए आपका डंडा, हाथ पीट दो दीजिए मेरे, मारिए मुझे। चतुर सिंह जी, सिर्फ एक बार मेरी आंखों में देखी, क्या मैं गुनेगार लगती? आप मुझे अपनी आंखें मत दिखाइए प्लीज। चतुर सिंह जी प्लीज, मैं बेहद हूँ। आप यहाँ से चले जाइए वरना। वरना क्या? आप मुझे 3rd degree देंगे, मारेंगे। आप ऐसा सोच कैसे सकती? मैं आपको मारूंगा?
हवलदार इन्हें लेके जाओ प्लीज। ठीक है, मैं अपने आप चली जाऊंगी। एक आप ही थे जिस पे मुझे भरोसा था और अभी बाकी की तरह निकले। हो सके तो मुझे माफ कर देना। काम क्या है? सोनिया को जेल से भगाना है। चलो चलो, पागल हुआ है क्या? वाई सिंह के मर्डर का इल्जाम है उस पर, अरे मेरी नौकरी चली जाएगी। नौकरी चली जाए तो हमारे पास आ जाएगा यादव साहब। वैसे जाएगी नहीं नौकरी, क्योंकि ये काम आपको करना नहीं, करवाना है। किससे? चतुर सिंह से। ये एरिया एकदम सुरक्षित है। नो प्रॉब्लम। अरे सुनो भाई, उधर नहीं, इधर सुनो। एक तगड़ी खबर लाया हूं। क्या? वो लड़की सोनिया वाई सिंह की कातिल नहीं है। क्या बोल रहे हो? मुझे भी यही डाउट था कि वो कातिल हो ही नहीं सकती। महान जासूसी साहित्य कर्नल चक्की का नया उपन्यास पढ़ा है? असली कातिल कौन? नहीं पढ़ा, कभी निकला। अरे अभी दो दिन पहले आया है। कर्नल चक्की ने साफ साफ लिखा है, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो सामने आता नहीं। कर्नल चक्की, you're great। असली कातिल को पकड़ने का एक ही तरीका है, जेल में बंद मुजरिम को जेल से भगा दो और फिर उसका पीछा करो। हाँ, क्योंकि जेल से भाग कर वो एसएल वर्ल्ड में झूला तो झूलेगा नहीं, बल्कि सीधा पहुंचेगा असली कातिल के पास। क्यों, मैं गलत बोल रहा हूँ? कर्नल चक्की गलत हो ही नहीं सकते। लेकिन ये बात उस चतुर सिंह को मत बताना। क्यों? वरना वो कुछ जलवा दिखा के चतुर सिंह 2 स्टार से 3 स्टार हो जाएगा। अच्छा। हाँ। चलो घर चलते हैं। बारीक सी बारीक आवाज सुन लेता चतुर सिंह। अब मुझे 3 स्टार होने से कोई नहीं रोक सकता। साहब हम मर जाएंगे साहब, हमारी वर्दी उतर जाएगी साहब। साहब मेरी बीवी और 2 बच्चे हैं, मुझ पर दया कीजिए साहब। साहब जी हमारी तो 2 बीवी और 1 बच्चा है साहब। मुझे शर्म आती है कि मैं तुम लोगों के डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। हमें भी। शट अप। बॉस कहना चाह रहे हैं कि आप सब लोगों को मिलकर सोनिया को यहाँ से भगाना होगा। पप्पू इन्हें प्लान समझो। यस बॉस। ये है दुनिया का मैप, जिसमें इस इलाके को इंडिया कहते हैं। बॉस वर्ल्ड मैप में नहीं मिल रही है। पप्पू ये मिशन है ना, सेंटा क्रूज से अंधेरी तक का है, ये वर्ल्ड मैप कहाँ से आ गया? नो प्रॉब्लम। तो सुनो सर, मेरा मिशन ये है कि तुम लोग सोनिया को भगाओगे। नहीं। मैं उसका पीछा करूंगा। नहीं। और पीछा करते करते असली कातिल तक पहुंचूंगा। नहीं। फिर मैं उसके साथ बॉक्सिंग करूंगा, कराटे करूंगा, उसकी आंखें फोड़ूंगा, उसकी गर्दन दबा के उसको जेल में अंदर करके सोनिया को बेगुनाह साबित कर दूंगा। ये प्लान किसने बनाया सर? द वन एंड ओनली चतुर सिंह 2 स्टार। और आगे सुनो। कहाँ गए सब लोग? बॉस आपका प्लान सुनकर सब लोग आपके चरणों में गिर गए। सोनिया को भगाने की तैयारी करो। मेम साहब ये आपका खाना, तो खाना ले आओ। आप खाना खा लीजिए। और सुनो, तुम मेरे लिए एक बनासी पाल ले गया। हेलो, अरे हेलो, अरे सुनाई नहीं पड़ रहा है, लगता है आवाज कट रही है। एक काम करता हूँ, मैं बाहर आके बात करता हूँ। हाँ एक मिनट, अब खाना खा लीजिए। हाँ हेलो, आ रही है, सो जा सखराम।
देख। चलो अगले यहां से निकल, चल चल। बॉस बॉस बॉस, समथिंग इज मिसिंग। व्हाट? कर्नल शकी ने क्या कहा था? लड़की को भगाना है, उसके बाद उसका पीछा भी तो करना है। ओह, आई फॉरगॉट। क्या क्या कह रहे हो तुम? ओके, इमिग्रेशन से फोन आया था, सोनिया दोपहर की फ्लाइट लेकर साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो गई। सर, मैं जानता हूं ये सब मेरी गलती है। गलती? ये गलती नहीं चतुर सिंह, इट्स ए क्राइम। मैं आज तक तुम्हें एक सिर्फ बेवकूफ इंसान समझता था, मगर तुम तो देश के लिए खतरा हो। कानून की नजरों में मुजरिम का साथ देने वाला भी एक मुजरिम होता है, तो जानते हो ना तुम? सर, मुझे एक मौका और दीजिए प्लीज। मौका? और मैं? देखो, कानून तुम्हें जो सजा देना चाहे दे सकता है, लेकिन अगर मैं जज होता ना तो मैं तुम्हें फांसी की सजा देता। बहुत नाज था तुम्हें इन दो सितारों पर। आज के बाद तुम चतुर सिंह टू स्टार नहीं, बल्कि चतुर सिंह नो स्टार होगा। प्लीज एक मौका दे दीजिए सर। एक मौका दीजिए, एक बार इस तरह से गिड़गिड़ाकर चतुर सिंह मेरा मूड खराब मत करो। आज तुम्हारी कोर्ट में पेशी है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। सर प्लीज अंडरस्टैंड सर। अंडरस्टैंड व्हाट चतुर सिंह? ये सब क्या हो रहा है? ये नमस्कार। नेताजी की देहांत का सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उनकी गद्दी और मंत्री पद संभालने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे पति के कातिल का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं चला, लेकिन अब केस मैंने अपने हाथ में ले लिया है, अब जरूर पता लग जाएगा। मैडम, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मगर मैडम आपसे बात नहीं करना चाहती है चतुर सिंह जी। कुलकर्णी साहब, इनको लेकर जाइए यहाँ से प्लीज। सर, इसे बोलने दीजिए। क्या बोलना चाहते हो तुम? मैडम, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ, लेकिन मुझे एक मौका दीजिए। ये मेरे लिए सिर्फ केस ही नहीं, मेरे दोस्त और मेरी वर्दी की इज्जत है। मगर मैडम तुमको कोई मौका नहीं देना चाहती है, बस। मेरा दिल कहता है कि ये सच कह रहा है, किंतु परंतु मैडम। एक मिनट, मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं चीफ मिनिस्टर से बात करूंगी और चतुर सिंह के लिए स्पेशल परमिशन लूंगी। आप इनका बंदोबस्त कर लीजिए साउथ अफ्रीका जाने का। साउथ अफ्रीका चतुर सिंह का। गुड मॉर्निंग मिसेस चतुर सिंह। वेलकम टू साउथ अफ्रीका मिस्टर चतुर सिंह, एंजॉय योर स्टे। टैक्सी। टैक्सी वाला हूँ साहब, आपको जहाँ भी जाना है छोड़ के आऊंगा। चलो तुम्हारी टैक्सी में चलते। टैक्सी वहाँ नहीं, यहाँ है साहब। ये टैक्सी है? टैक्सी है। ये देखो टैक्सी की चाबी, ये लाइट, ये कचरा फंसता है कार्बोरेटर, ये हॉर्न पोंग 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 पोंग, पीछे डिक्की है और ये सीट है। इस सीट पे बैठ जाओ, जहाँ भी जाना है छोड़ के आऊंगा। समझ गया, तुम पागल। छप बोलते हैं लेकिन मैं नहीं मानता। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरी टैक्सी में बैठ क्यों नहीं रहे। मैं 2 साल का था जब से टैक्सी चला रहा हूँ, 5 साल का हो गया हूँ। पहाड़गंज में सब मेरे को जानते हैं। पहाड़गंज? ये पहाड़गंज नहीं, केप टाउन है। पहाड़गंज है वो, देखो पहाड़, वो देखो गंज, पहाड़गंज। यू आर राइट। यस। नो। ओए ततुल सिंह भाई साहब, बब्बन, तू किसका आदमी है? बब्बन? मैं अपनी मित्र का आदमी हूँ, और मेरा नाम बब्बन नहीं, लल्लन उर्फ लैली है। मेरा नाम चतुर सिंह है, लेकिन तुझे कैसे पता? अरे इतना बड़ा बड़ा बक्से में लिख रखा है विक्रम बैताल, तो
ये विक्रम बैताल लिखा है, इस पे तो चतुर सिंह लिखा है। अरे कभी तो पला ना, कहाँ जाओगे? नहीं बताऊंगा। तो फिर यहीं बैठे रहो, वीजा खत्म हो जाएगा, रामपुर में जाके हनीमून मनाना। फिर इन दैट केस मुझे टेबल टेबल में होटल टेबल में होटल, लेकिन मैं वहां सिर्फ कॉफी पीऊंगा, रहूंगा दूसरी जगह। और ये बात किसी को बतानी नहीं होगी। ठीक है, टेबल पे पहुंच जाऊंगा और जहां भी जाना है ना छोड़ के आऊंगा। मैंने नहीं बताया इसको। अरे मालूम था देखो, टैक्सी खराब होती है, मल्टी नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, घर जा घर जा। अच्छा आदमी है कुछ नहीं करेगा इसके। पागल लगता है। लगता है सर। One room, please. आप इंडियन हैं? Yes, of course. तो फिर हिंदी में बोलिए ना सर, मैं भी इंडियन हूँ। सोनिया वर्मा। Hi, room 735, please. Nice statue. Thank you. Surprising. पहचाने नहीं। सोनिया वर्मा 735, चतुर सिंह 736। पप्पू तू? हाँ मैं। तू यहाँ कैसे है? जहाँ गुरु वहाँ चला। मैं आप ही के फ्लैट में था। मेरी फ्लैट में? हाँ। तू तो दिखा ही नहीं मुझे। मैं बिजनेस क्लास में था। और आप? मैं मैं प्लेन चला रहा था। आप वो प्लेन चला रहे थे? क्या चला रहे थे बॉस? बहुत जिंदगी में मेरी पहली फॉरेन ट्रिप, पहली बार हवाई जहाज में, और उस प्लेन का ड्राइवर आप? ड्राइवर नहीं, इडियट, पायलट, पायलट, पायलट। धन्यवाद से। नहीं पप्पू, पप्पू नहीं नहीं। अरे नहीं पगले, क्या कर रहा है पगले? अरे जीते रहे यार, जीते। बस आपका पासपोर्ट इसके बगैर जाने नहीं देंगे। I know that. ये क्या, जब से आए तुम बियर पी रहे हो? Come on, we have to leave. वो चतुर सिंह हमारे होटल में ही ठहरा है। Relax, सोनिया। उस बेवकूफ से हमें क्या खतरा हो सकता है? वो तो वैसे भी तुम्हारा दीवाना है। ए, तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि उसे भागने के बजाय उसे गले लगाओ। कि चतुर सिंह ही उस गोलू गुलफाम और उन हिलों तक पहुंचने में हमारी मदद करेगा। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उस पागल को पूरा भरोसा है कि तुम बेकसूर हो। जो सच है, मुझे फंसाया गया है। तुम लोगों की वजह से मुझे इंडिया से यहाँ भागना पड़ा। हाँ सोनिया, लेकिन ये मत भूलना, ये सब तुम अपने प्यारे जीजा जी के लिए कर रही हो ना। मजबूरी में आके ना जाने मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। एक भोले भाले इंसान का इस्तेमाल करके शर्म आ रही है मुझे। बॉस आप कहाँ जा रहे हो? मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ। शॉपिंग? आप यहाँ पर केस सॉल्व कर रहे हो या फिर शॉपिंग कर रहे हो सर? मैं शॉपिंग अपने लिए नहीं, देश के लिए कर रहा हूं। नया मिशन,
नायाब। गेट अप। और एक बात, तेरे मेरे बीच एक कोड रहेगा। मैं 3 बार दरवाजा खटखटाऊंगा और बोलूंगा पल्ले और शावा, और वो सुन के तू 2 बार दरवाजा खटखटाएगा और बोलेगा शावा और पल्ले, और फिर दरवाजा खोलेगा। यू गेट दैट? यस बॉस। बॉस आपने मुझे क्यों मारा? दरवाजा क्यों खोला? 3 सेकंड में और कौन आ सकता है बॉस? 3 सेकंड में बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। बॉस, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। गुड। घबराने की कोई बात नहीं, ये एरिया सुरक्षित है। दुकान 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 दुकान, कपड़े की दुकान, लत्ते की दुकान, दुकान 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 दुकान। तू फिर आ गया? भाईजान, मैं गया ही कहा था, जो फिर से आऊंगा। यहाँ मेरी दुकान है, सूटिंग, शर्टिंग, पेंटिंग, टाइंग, बेल्टिंग, जो भी आपको चाहिए ना मेरी दुकान में मिलेगा। चलो तुम्हारी दुकान में चलते हैं। भाईजान, दुकान वहाँ नहीं, दुकान यहाँ है। ये दुकान है? हाँ दुकान है। ये देखो पेंटिंग, ये देखो शर्टिंग, ये देखो सूटिंग, आपको क्या चाहिए? रेडीमेड लूंगी। अरे जुम्मन भैया, 2.5 मीटर की टाइट फिटिंग की लूंगी लेके आओ। भाईजान पहनेंगे, शहजादे लगेंगे, बैठ के शतरंज खेलेंगे। और भाईजान चाय पानी ठंडा, कोका कोला? नहीं कोई बात नहीं। तुम पागल हो? ए भाईजान, कहते तो बहुत लोग हैं लेकिन मेरा क्या है कि मैं मानता ही नहीं हूँ। पर भाईजान, मेरी दुकान में कमी क्या है? पिछले जन्म में खोली थी, इस जन्म में चला रहा हूँ। यकीन नहीं आ रहा तो पूरे चांदनी चौक में किसी से भी पूछ लो। ये चांदनी चौक नहीं, केप टाउन है। चांदनी चौक है? आओ। वो देखो चांदनी, ये देखो चौक, चांदनी चौक। He's right. Yes. No. And let me go. बी 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 बी। भाईजान कुछ चुरा के लेके जा रहे हो दुकान से? देखो तुम घर जाओ, मुझे आराम की सख्त जरूरत है। दुकान 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 दुकान, कपड़े की दुकान, लत्ते की दुकान, दुकान 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 दुकान। ये पक्का पागल है? पता? अरे पूछ लो, बता लो, बुली आत्मा बुली। दुकान 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 दुकान। Excuse me, sir. Oh, shit. Oh, shit. Shit. This is not my size. Sir, that is what I was trying to tell you all along. This is the kiddies section. Bachcha log ka kapra idhar milta hai. तो बड़े लोग का कपड़ा कहाँ मिलता है? इधर पे। These 4 suits. All 4 of them, sir. 4 in 1. Do you understand? Completely, sir. What a fool. Tony, Chatur Singh आ गया है। एकदम कार्टून लग रहा है। वो तुम्हें फॉलो करना चाहता है, करने दो। एक्सक्यूज मी। यस मैडम। क्या मुझे एक टैक्सी मिल सकती है तंत्रातोन जाने के लिए? वोडाफोन? वोडाफोन नहीं, तंत्रातोन। बारीक से बारीक आवाज सुन लेता है चतुर सिंह, 2 स्टार। एक्सक्यूज मी, इस भीड़ में मैं जरा अकेलापन महसूस कर रही हूँ, क्या मैं आपके टेबल पे बैठ सकती हूँ प्लीज? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रही हूँ? नहीं नहीं, प्लीज बैठिए। थैंक यू।
आप ही क्यों नहीं बैठ जाते? टेबल आप ही का तो है. सो व्हाट्स योर नेम? बनाना पड़ेगा. मतलब? बताना पड़ेगा. जेम्स. जेम्स, नाइस नेम. एंड लास्ट नेम? अरमानी. ओ इटालियन. वैसे आप हिंदी तो बहुत अच्छी तरह से बोल लेते हैं. बात ये है कि मैं आधा इटालियन हूँ आधा हिंदुस्तानी. जैसे कि मेरे मामा भगनानी है, चाचा तौरानी है और मैं अरमानी हूँ. इटालियन सिंधी. ग्रेट, इंटरेस्टिंग. क्या मैं आपके बारे में पूछ सकती? ऑफ कोर्स. मेरा नाम सोनिया है और मैं किलर हूँ. मेरे सिर पे इंडिया के मशहूर मिनिस्टर वाई वाई सिंह के खून का इल्जाम है जो मैंने किया ही नहीं. बस आगे बताइए, आगे बताइए. पता है ये वाई वाई सिंह ना बहुत ही करप्ट मिनिस्टर था. उसने 500 करोड़ के हीरे यहाँ के मशहूर डॉन गुलू गुलफाम को दिए थे. वो गुलू गुलफाम ही है जिसने उसका मर्डर किया है. मैं गुलू गुलफाम को एक्सपोज करना चाहती हूँ और इस काम के लिए मुझे एक बहुत ही अच्छे डिटेक्टिव की खोज है. मैं इस सिटी में नहीं हूँ. आप किसी को जानते हो? इत्तेफाक से मैं हॉलिडे पे हूँ, वरना मैं जर्मनी का टॉप मोस्ट डिटेक्टिव. यू मीन इटली? रे बाजू का देश है. माय मिस्टेक, सॉरी. वैसे आप इटालियंस को सिर्फ दो ही चीजों का शौक है ना, एक अच्छे लिबास जो आपने सर से लेके पांव तक पहने ही है और दूसरी अच्छी शराब. तो शुड वी टोस्ट ऑन यू पार्टनरशिप? यू नो, वेटर मस्का मार के टेकिला प्लीज. ड्रिंक अप. ट्रेडिशन, रिवाज, डाविंसी कोड, इटालियन. चीयर्स. ड्रिंक अप. एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह. ओह फॉर यू. Baby, do you understand? Jile, jile.
मैं तेरे नाल सोनिए मरना मैं तेरे नाल सोनिए करना मैं तेनू प्यार सोनिए करना मैं प्यार सोनिए जीना मैं तेरे नाल सोनिए मरना मैं तेरे नाल सोनिए करना मैं तेनू प्यार सोनिए करना मैं प्यार सोनिए पेटकुट की जगह अब तोने की डबल लोटी लात भल मेली डाली में तालू पीते तो रहे हो उठ गए मैं कहा हूं दूध मालिंग तुम कौन हो अरे इतनी जल्दी भूल गए ततुल सिंह भाई साहब मैं लल्लन उपलहली टैक्सी दलाइबल चतुर सिंह नहीं जेम्स अरमानी जेम्स अरमानी कमाल है हमको लल्लन से लहली बनने में 3 महीने लग गए आप इसी दिन में ततुल सिंह से तेला लमानी जेम्स अरमानी मैं यहाँ कैसे आया मते के हालत में तूल मिले तैती मार के तो गए थे तुमने उठाया क्यों नहीं 2 बजे थे एक तो तोते को उठाना हो बुरी बात है ना और दूसरा थली डाली का मीटर चल रहा हो तो किसको बुरा लगता है हेलो मेरा 1000 का लैन कर लेना बदबल मेरे अकाउंट में डाल देना अरे पेट में कुछ है नहीं अकाउंट में डाल लो हेलो ततुल सिंह जेम्स अरमानी मुझे गुस्सा ही नहीं आता कोई बात नहीं पप्पू दरवाजा खोल पप्पू दरवाजा खोल पप्पू मैं जानता हूं तू दरवाजे की उस तरफ खड़ा है तू ऐसे नहीं मानेगा बल्ले एंड शावा रॉन्ग बॉस बल्ले ओ शावा शावा बल्ले पाजी शावा बल्ले 15 मिनट पहले जब मैं दरवाजा पागलों की तरह खटखटा रहा था तो तुम दरवाजे के पीछे खड़े थे यस बॉस और की होल से मुझे देख रहे थे यस बॉस और फिर भी तुमने दरवाजा नहीं खोला नहीं बॉस और तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है अब तो नहीं था बॉस कोड तो तुमने दिया ही नहीं अपने ही बनाए हुए रूल्स को तोड़ते हो बॉस बॉस मिशन का क्या हुआ हाँ मिशन से मुझे याद आया नोट करो नोट करो नोट करो 3:15 मुझे पूरा यकीन हो गया है कि सोनिया बेकसूर है असली कातिल कोई और है और सोनिया मेरे प्यार के चक्कर में पागलों की तरह फंस गई है। नहीं बॉस सोनिया खूनी है। सोनिया खूनी नहीं है। मुझे वो सैंडविच हाँ हीरे 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 चाहिए गुड मॉर्निंग बताइए मैं कैसे लग रहा हूँ टेरिबल आई मीन टेरिफिक वैसे वो कल कल क्या कमाल कर दिया आपने
इतनी शराब के बाद भी रॉक स्टेडी, लाइक अ ट्रू इटालियन, हां? इतनी शराब तो हम इडली में ब्रेकफास्ट में पी लेते हैं। तो अभी भी तो ब्रेकफास्ट का वक्त है, मंगा दूं? नहीं नहीं, ये ब्रेड बटर से काम चल जाएगा। सोनिया जी, आपने पूछा नहीं मैंने ये सूट क्यों पहना है। क्यों पहना है? ये कोई आम सूट नहीं है सोनिया जी, इससे पहले एक महान डिटेक्टिव कर्नल शक्की ने ये सूट पहना था। ये देख, कोई मुझे यहाँ से देखेगा तो अलग आदमी लगूंगा, यहाँ से देखेगा तो अलग, यहाँ से देखेगा तो अलग, और पीछे से देखेगा तो मैं गायब भी हो जाऊँ। अरे वेरी स्मार्ट, लेकिन अब चले? चले कहाँ? मिशन गुल्लू गुलफाम। मिशन गुल्लू गुलफाम? सोनिया जी, मैं ये केस सॉल्व करके ही छोड़ूंगा, ये चतुर सिंह का वादा है। जेम्स अरमानी? चतुर सिंह मैंने बोला ही नहीं कसम से। सॉरी, माय मिस्टेक। लेट्स गो। रुको, किससे मिलना है? क्यों बताओ? ए, चलो तुम लोग वापस जाओ। इन दैट केस हमें गुल्लू गुलफाम से मिलना है। गुल्लू गुलफाम का टाइम खत्म हो गया है, यहाँ का नया डॉन है डॉन चुंगवा। चुंगवा कुत्ता है क्या? लेट्स सी। मौजा मौजा ही मौजा। बॉस, पार्टी आपसे मिलने आई है। मर्डर, रेप, ड्रग्स, आईपॉड, डीवीडी पायरेसी, सब मिलेगा चुंगा के यहाँ। काम क्या और नाम क्या तुम्हारा? मी चतुर सिंह, टू स्टार। जेम्स अरमानी। कसम से मैंने नहीं बोला। माय फॉल्ट। हाँ, जेम्स अरमानी, इटालियन। आप चाइनीज हो गए? नहीं नहीं नहीं, मैं पंजाबी हूँ, लेकिन ये जो मेरा हार्ट है ये चाइनीज है। वो हुआ ऐसे कि आज से 15 साल पहले जब इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट का फाइनल का मैच हो रहा था, मैच देखते देखते मेरा हार्ट फेल हो गया। नए हार्ट के लिए मेरा बजट था सिर्फ 7,000 रुपया। पूरी दुनिया के अंदर 7,000 के अंदर हार्ट चाइना के अलावा और कहीं नहीं मिलता था, इसलिए वहाँ का हार्ट लगाया, मेड इन चाइना। काम बोलो। मुझे तुम्हारे बॉस गुल्लू गुलफाम से कहा। नाम मत लेना उसका, हरामजादा, सुअर का बच्चा, कुत्ते की औलाद। 10 साल तक उस हरामी के पिल्ले का राइट हैंड बनकर मैंने काम किया। उस साले ने बताया नहीं कि माल कहाँ है, और फिर एक दिन अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी याददाश्त चली गई, हम लोग सड़क पर आ गए। एक एक रान इकट्ठा करके मैंने एम्पायर वापस खड़ा किया। शर्म नहीं आती उनकी कमाई खाते हुए? नहीं, वो नहीं, साउथ अफ्रीका की करेंसी को रैन बोलते हैं, रैन। काम बोलो। ये मैं गुल्लू गुलफाम को ही बताऊंगा। लगता है इनका उसके साथ कोई पुराना टांका है, कहीं ये भी तो यहाँ पे हीरो के चक्कर में नहीं आए। नहीं छोड़ूंगा मैं तुमको। सिगरेट का पैकेट है, नीचे करो उसको। उधर देखो, दुकान 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 दुकान, कपड़े की दुकान, लत्ते की दुकान, दुकान 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 दुकान। ये तो वही पागल है, दुकान, टैक्सी। पर इस चुम्मा का क्या करें? इसको इसके हाल पे छोड़ दो, खुद ब खुद मर जाएगा। सुना नहीं तुमने, इसका हार्ट मेड इन चाइना है। बॉस, इनको आपने जाने क्यों दिया? मैंने इन लोगों को जानबूझ कर जाने दिया ताकि मैं इनका खेल समझ सकूं। जैक, यस, इस पर और गुल्लू गुलफाम पर नजर रखना। यस बॉस। जैसे ये लोग कोई हरकत करें मुझे इतला करना। यस बॉस। बहुत बड़ी शिमला मिर्च है। कितने की ली? 20 रुपए की एक। 20 रुपए की? नासिक में तो 12 रुपए की मिलती है। अरे कहाँ जा रहे हो यार? वापस करने जा रहा हूँ। क्यों? आप नासिक से खरीद लीजिए। अरे
पागल हो गई हो क्या? चलो रख, ठीक है, तुम्हारा फोन बज रहा है। आपका बज रहा है सर। हेलो सिन्हा। राजकुमार सिन्हा यार, कौन बोल रहा है जी? आज तुम फिर ऑफिस से गायब हो? जी नहीं सर, आधे घंटे पहले मार्केट में आया था सर। कौन बोल रहा है जी? लगता है पार्टा में तुम ठेला लगाते हो। नहीं सर, बस शॉपिंग के लिए आया था सर। वैसे कौन बोल रहा है जी? कल सुबह ठीक 9 बजे ऑफिस पहुंच जाना। जी मैं बिल्कुल पहुंच जाऊंगा। वैसे बोल कौन रहा है जी? पप्पू पैंथर। पैंथर के बच्चे कुत्ते के पिल्ले की मौत मारूंगा। मुझे सिन्हा बुलाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे अगर नाम सिन्हा है तो मैं तुम्हें बच्चन क्यों बुलाऊंगा? ये बच्चन कौन है? अभिषेक बच्चन सर। अभिषेक। बॉस के सारे पैसे खत्म हो गए। कल सुबह तक उनके अकाउंट में $5,000 ट्रांसफर हो जाने चाहिए। पिछले हफ्ते तो भेजा था। खर्च हुए साउथ अफ्रीका घूमने में, नाचने में, गाने में। उस चतुर सिंह को मैं गोली मार दूंगा, फांसी में लटका दूंगा और जहर के इंजेक्शन ठोक दूंगा। सिन्हा, बॉस के बारे में ऐसी बातें मत करना और मेरी मूड की माफ। कल सुबह तक पैसे पहुंच जाने चाहिए। Yes, I'm a salesman, Kulkarni. We are going to South Africa. South Africa, yes, sir. Yes. Okay. $220 by $140. Control yourself, sir. My God, तब तो मुझे कोमा में होना चाहिए। मैं इस चतुर सिंह को छोड़ूंगा नहीं। सर, आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है? क्यों, क्या हुआ? सर, 11 घंटे की फ्लाइट के बाद हम यहाँ केप टाउन पहुंचे हैं और पिछले 2.5 घंटे से आप मुझे यहाँ सड़कों पर कड़कती ठंड में घुमा रहे हैं। मुझे और नहीं चलना है सर। कुलकर्णी, चलना इज गुड फॉर हेल्थ। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? सर, हम यहाँ किस लिए आए? चतुर सिंह को पकड़ने के लिए। अगर ऐसी स्पीड रही तो अगले 2.5 साल में भी उसको नहीं पकड़ पाएंगे सर। ओह माय गॉड, 2.5 साल में तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। ओके ओके, कॉल अ कैब, कॉल अ कैब। तुम गाड़ी से नीचे क्यों उतरे भाई और ऐसे ऐसे उर घूर के क्यों देख रहे हो? हिंदुस्तानी हो? हाँ, तुम भी शक्ल से हिंदुस्तानी लगते हो। प्यार से मिलो, हिंदुस्तानी है। अरे क्या प्यार से मिले? दिल दल्ला, दिल क्या? दिल दल्ला है, दिल चल रहा है, दिल दल्ला है। अब पैसे पहले लूंगा, बाद में तुम्हें उतारूंगा। पैसे पहले लेगा? अरे सर, शक्ल से चोर चक्के लगते हैं तेरे को। अरे वो भी शक्ल से तोल उतना का नहीं लगता था वो। अरे किसकी बात कर रहा है यार? अरे खाए था चल कमीना बदतमीज उल्लू का पत्ता चतोलते ही। तुस्तार, तुम जानते हो उसको? अरे उसी को तो पकड़ने आया हूँ। क्या किया उसने? क्या किया? क्या दालू पीला गाली में ललके जुमाला है, मेरे 1000 ले लिए और नाम बदल लिया अपना। देम तलमानी। कौन सा अलमारी? देम अलमानी। जेम सरमानी। जेम सरमानी, गोली मार दूंगा, फांसी पे चढ़ा दूंगा, जहर के इंजेक्शन ठोक दूंगा। सर बीपी कंट्रोल योर। बीपी की माँ की। जेम सरमानी के पास ले चलो मुझे। सर चतुर सिंह। चतुर सिंह के पास ले चलो मुझे। इतने बड़े केप टाउन में कैसे उसको ढूंढ पाएंगे हम? हाँ, मैं आपका दुख समझता हूँ सोनिया जी। चाहे तो अपना सर मेरे कंधे पे रख के रो सकती है। तो मुझे रोना नहीं आ रहा। तो सो सकती है। मुझे नींद भी नहीं आ रही। दिल की बात आप घुमा के क्यों बोल रहे हैं चतुर सिंह जी? आई मीन जेम्स अरमानी जी। इस बार गलती आपकी है। माय मिस्टेक, सॉरी। गुल्लू। गुलफाम। गुल्लू गुलफाम। घबराइए मत सोनिया जी, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। पठानकोट 2050 एक्सप्रेस से जाने वाले यात्रियों से निवेदन है कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 से कूद के जान बचा के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच जाएं। ये तो पागल है। टिंग टोंग, सारे यात्री मेरे को यही समझते हैं लेकिन पता नहीं मैं क्यों नहीं मानता। टिंग टोंग स्वीटू। अरे जल्दी से पठानकोट की गाड़ी में बैठो नहीं तो चली जाएगी। ये पठानकोट नहीं, केप टाउन है। पठानकोट है। आओ देखो पठान, ये देखो कोट, पठानकोट इज राइट। देखिए हर रोज ये एक नए मूड में होता है। आज इसका मूड है ट्रेन बनने का। बहस बंद करो और ट्रेन पर चढ़ो नहीं तो पूरा दिन सीटी माता रहेगा। स्वीटू भैया से गप्पे लड़ाना बंद करो, गाड़ी जाने को तैयार है। ये आपको भैया बोल रहा है? नो प्रॉब्लम, मिशन के लिए मैं भाई तो क्या, बाप बनने के लिए तैयार हूँ। यात्री तुम तो छोड़ने आए थे, बैठ क्यों गए? कोई बात नहीं, एक यात्री और बढ़ गया। टिकट लिया? चले, गुल्लू गुलफाम किडनैप हो गए। जब वो गुल्लू गुलफाम को उठा रहे थे तू क्या कर रहा था? बॉस, आपने मुझे सिर्फ नजर रखने बोला था, मैंने नजर रखा और आके आपको बता रहा हूँ। उठाया क्यों नहीं? इसने उठाया। किसने? इसने उठाया।
मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। अबे चुप! और ये मेरे पीछे टुक टुक करके क्या कर रहा था? ये कोई चादर बदली होटल है? तू आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, और तू मेरे को इतना लाइटली क्यों लेता है हमेशा? मैं इधर का डॉन हूँ। कौन हूँ? देखा, ये काले लोग भी मेरे को डॉन बोलते हैं। और मैं जासूस हूँ सर। काम की बात करें, गुल्लू गुलफाम की याददाश्त का इंतजार तुम्हें भी है और मुझे भी। तुम भी डायमंड्स के चक्कर में हो ना? डायमंड मिलते ही हम दोनों 50-50 कर लेंगे। एक नेकलेस तुम बना लेना और एक मैं। नो, नेकलेस मेरा, अंगूठी तुम्हारी, 80-20। डन। गुल्लू गुलफाम की याददाश्त इसी बंगले से गई थी और इसी बंगले में वापस आएगी। मेरे मिशन के लिए मुझे ये बंगला चाहिए। मौजा मौजा ही मौजा। देखो गुल्लू गुलफाम की फरारी निकली, देखो किसका है पान सुपारी किसकी, देखो भाई की शान से तैयारी निकली, देखो एक से बढ़ के तमाशे माशे 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 माशे, देख तमाशे देख तमाशे देख तमाशे देख तमाशे देख तमाशे देख तमाशे देख तमाशे। सुपारी है भाई की आज तो पूरी तैयारी है, सबकी जुबान पे भाई का नेम है, जलवा है गुल्लू का फेम है, करता है आपको सलाम हर कोई देखो, अरे गुल्लू करता है आपको सलाम हर कोई देखो, फेमस है गुल्लू गुलफाम हर कहीं देखो, एक से बढ़ के तमाशे माशे 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 माशे, देख तमाशे झूलता आपके पास तो कभी कोहिनूर था, भेजे बेजोर दो दिमाग को खुजाओ जरा, अरे गुल्लू भेजे बेजोर दो दिमाग को खुजाओ जरा, कहाँ है हीरा मेरे भाई ये बताओ जरा, एक से बढ़ के तमाशे माशे 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 माशे, देख तमाशे
पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। मैं सुबह से तुम्हारी हरकतें देख चुका हूँ। Shame on you! कमिश्नर साहब की आवाज में बात करता है। अरे चतुर सिंह वो कमिश्नर साहब ही है। कमिश्नर साहब की चमचे की आवाज में बात करता है। अरे देख तमाते ये बूथ के बीच में कमिश्नर है भैया। वो भिखारी टैक्सी ड्राइवर की आवाज में बात करता है। तो मैं? और नहीं तो क्या मैं? पहचाना? सर चतुर सिंह टू स्टार रिपोर्टिंग सर। भारी इतनी हिम्मत कि तुमने कमिश्नर राजकुमार सेना को टप्पा मारा। सर आप यहाँ छुट्टी पे आए? शट अप बकवास मत करो। मैं जानता हूँ तुम इतने दिनों से गुलछर्रे उड़ा रहे हो, गाने गा रहे हो। कल सुबह सोनिया के साथ वापस जाना है। सर मिशन इम्पॉसिबल कंप्लीट होने के लिए 2 दिन चाहिए। 2 दिन की मोहलत दीजिए सर। 2 दिन क्या, मैं इसी गेटअप पे घूमूंगा। सर आपके लिए एक कमाल कैरेक्टर सोचा है सर। अच्छा क्या बनना है मुझे? डॉक्टर, इंजीनियर, जर्नलिस्ट? सर डॉक्टर अच्छा रहेगा। डॉक्टर मौजा ही मौजा। कौन है ये? ये है दुनिया का मशहूर डॉक्टर, डॉक्टर झटका। डॉक्टर झटका तेरी पेशेंट का जिसका इलाज करना है। तुम इलाज क्या करोगे? ना हाथ में बैग है, ना कोई दवाई है, ना जेब में कोई इंजेक्शन है। हा? हा? इसको बता दो कि हमारा इलाज करने का स्टाइल अलग है। ना होम्योपैथी, ना एलोपैथी, ओनली होम्योपैथी। ये क्या है? ये क्या है स्वीटू? ये नए कैरेक्टर्स कौन है? गुलू जी ये डॉक्टर है, आपका इलाज करने आए हैं। मैं कोई पागल हूँ? हाँ तुम पागल हो। ओके नो प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब बहुत लोग बोलते हैं लेकिन मेरा क्या है कि मैं मानता हूँ इट इज एक्यूट केस ऑफ पेशेंट बाइटिंग बट नॉट एक्सेप्टिंग द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ। मामला बहुत संगीन है। तुमने हिंदी फिल्मों में देखा होगा कि आमतौर पर मरीज को जिस जगह पर चोट लगी होती है जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली जाती है उसी पर दोबारा मारने से वो याददाश्त वापस आ जाती है। मतलब ठुकाई शुरू करो। 1 मिनट, वन लास्ट चांस। छोटी छोटी गोल गोल चीजें क्या होती है? हीरा या चना? ओ कॉलिंग मी। ओके चना। ओको अरे क्या कर रहे हो? मार दो ले दो, मार दो। ऑन द स्टमक। क्या रे हीरे कहाँ है? हीरे कहाँ है? हीरे नहीं है हीरे कौन है? ये क्या किया? जिसे हीरे के बारे में मालूम था उसी को मार दिया। गोलू तो मर गया, अब सुमिया का क्या होगा? मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कैसे करूंगी? ए चुंगा, इसने मुझे नींद से उठाया। कौन लोग हैं ये? बाहर करो इनको। हरामी की आदाश वापस आ गई। अबे ओ, बहुत हो गया तेरा नाटक। बताया हीरे कहाँ हैं? याददाश्त तो वापस आ गई पर ये हीरे मेरी जान ले जाएंगे। हीरे और जान दोनों बचानी है तो गुल्लू गुलफाम आई हुई याददाश्त को गुड बाय कर दे। टाटा बाय बाय। हीरा 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 तो पंजाब में है। अबे ओ हीरा पंजाब कैसे पहुंच गया? पहुंचा नहीं, पंजाब में ही पैदा हुआ था। पंजाब में ही मक्खन खाया, पंजाब में ही घी खाया, पंजाब में ही रहता है। हीरा मेरा मामा, हीरा करतार सिंह। मेरे मामा को मिला दो हीरा मामा। क्यों मार रहे हो बेचारे को? लेकिन वो हम दोनों के पार्टनरशिप के हीरे। अरे भाड़ में गए वो 2 टकों के 500 करोड़ वाले हीरे। अब भी इमोशनल हो जाओ ना यार। ठीक है मेरा चाइनीज हार्ट भी पिघल गया। जब किस्मत होगी टांडू तो क्या करेगा पांडू? मैं रोने जाता हूँ। टैक्सी 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 टैक्सी। आई नो गाड़ी गियर में डालो, एक्सीलेटर दबाओ, हाईवे पे लेके जाओ। छोटे छोटे गोल गोल चने नहीं हीरे होते हैं।
हीरे। ये चेरी नहीं चतुर है, बारीक सी बारीक आवाज सुन लेता है। चतुर सिंह टू स्टार। कौन है? मैं। कौन? पप्पू पैंथर, शेरों के चिंपैंजी से डरते हो? मैं शेर नहीं गधेड़ हूँ। गधेड़? आधा शेर आधा गधा, गधा डरा था शेर नहीं। वैसे अरमानी जी, ये गेट अप का आइडिया आपका ना टॉप क्लास। सुनिए जी, ऐसा गेट अप किसी ने हजार सालों में भी नहीं सोचा। गोलू गुलफाम की यादाश्त वापस आ गई है। मैं एक केस सॉल्व करूंगा, मैं डिपार्टमेंट को करोड़ों रुपए के हीरे दिलवाऊंगा और अपना प्रमोशन करवाऊंगा भाई। सिर्फ अपना? तो अकेले जाइए मिशन पर। अरे मेरा प्रमोशन होगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा प्रमोशन होगा ना, हम दोनों इसी टीम में एक साथ काम कर रहे हैं। और पिछले हजार सालों में तुमने किसी को ऐसा गेटअप करते देखा है? मोजा मोजा ही मोजा साहब, हजारों साल में किसी ने ऐसा गेटअप नहीं किया होगा। बॉस, हम लोग अंडरवर्ल्ड छोड़ गए क्या? सर्कस में भर्ती हो रहे हैं। मुझे कुत्ता बना दिया, अब गोरिल्ला बन के फिर रहा है। मुझे हीरे चाहिए, हीरे। मोजा मोजा ही मोजा। हजारों सालों में ये हाथी का गेटअप किसी के हाथ में नहीं आया होगा। यू आर जीनियस गुल्लू गुलफाम। बॉस हाथी, छोटे छोटे गोल गोल ये चने नहीं हीरे हैं, गुलू गुल फार्म के हीरे। Hello sir, something's wrong here. Send the force immediately. हेलो हेलो सिन्हा, रेलगाड़ी बने क्यों दौड़ रहे हो? सर मिशन पे हूँ। कौन बोल रहा है? तो रुक क्यों गए? सिग्नल रेड है क्या? कौन बोल रहा भाई? कुलकर्णी, कम ऑन, पास इट ऑन, गेट इट, कैच, दुर्गा बैटिंग, और एक छक्का। हेलो सिन्हा, बोल रहा हूँ जी। कहाँ हो? प्रमोशन के लिए हवा में उड़ रहा हूँ जी। सिन्हा डिवोशन हो गया? अरे कौन बोल रहा है? हेलो हेलो सिन्हा। राजकुमार सिन्हा जी, कौन बोल रहे हैं जी? गार्डन में खरगोश बन के घूम रहे हो गाजर खाने? मैं यहाँ पर मिशन पे हूँ। ऐसे कौन बोल रहे हैं जी? पप्पू पैंथर। पप्पू पैंथर, तुझे मेरे सिन्हा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ सिन्हा को सिन्हा नहीं बोलूंगा तो क्या बच्चन बोलूंगा? That's also true. Yeah. सिन्हा को सिन्हा नहीं बोलेंगे तो पप्पा। अरे किधर चढ़ा दिया? बात नहीं आऊंगा, मुझे हीरे चाहिए, हीरे। Hey!
आज। अमर जी, हीरे कहाँ है? कौन से? अरे आप यहाँ खड़े थे, मैंने आपको फेंके थे, याद करो। ये दूसरा गधे कौन है? ठहरो, पहले नकाब उतारो। आप सावित्री जी, आप इसका मतलब चाली? हाँ, मैंने अपने पति वाईवाई सिंह को मार डाला और इस काम के लिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। उस सलील आदमी के लिए मौत तो बहुत सस्ती थी। उस दो कौड़ी की भीमा एजेंट को मेरे पिताजी ने राजनीति में राज कर दी थी और उसने मेरे पिताजी को मार डाला। सारी जायदाद हड़प ली उसने, इसलिए मैंने उसे मार डाला। मैडम, आपकी कहानी सुनकर हम सबको बड़ा दुख हुआ। अगर अफसोस, कानून की नजरों में आप एक मुजरिम हैं, इसलिए खुलकर नहीं सर, अरेस्ट है सर। मैडम प्लीज चलिए। चतुर सिंह। यस सर। वो हीरे मुझे दे दो। क्यों सर? क्योंकि मैं बड़ा हूं और वो छोटे छोटे हीरे बहुत महंगे हैं, मैं उनको संभाल कर रखूंगा। पप्पू। यस बॉस। नोट करो, 12 अक्टूबर दोपहर के 2:40 चतुर सिंह के हाथ में जो हीरे हैं वो मैं कमिश्नर साहब के हाथ में नहीं दूंगा। आप बात कर रहे हो? और डीजीपी साहब के हाथ में दूंगा। यस बॉस। कुलकर्णी। वेटिंग सर। जेम्स अरमानी। कसम से मैंने नहीं बोला। नेचुरली माय फॉल्ट। करेक्ट। लेकिन अब तो मान लो चतुर सिंह जी। टैक्सी, टैक्सी, एक्सीडेंट हो गया। टैक्सी गुल्लू, टैक्सी हो गई, दुकान हो गया, ट्रेन हो गया, अब सीधा मुंबई के लिए। हीरे नहीं मिलने के बावजूद बीपी नॉर्मल। सर, डॉक्टर की गोली खाई है? नहीं, जरूरत नहीं है। जरूरत है सर, जो खबर मैं लेकर आया उसके बाद जरूरत है। मेरा प्रमोशन हो गया है। नो सर, एनी मोर गेसेस? समथिंग टू डू विद चतुर सिंह? यस सर। क्या हुआ उसका? चतुर सिंह 2-स्टार नहीं रहा। खुदकुशी कर ली? जी नहीं सर, चतुर सिंह 2-स्टार, अब चतुर सिंह 3-स्टार हो गया है। सर, कंट्रोल। कंट्रोल नहीं है, अच्छी भी नहीं आ रही है। सर, होल्ड ऑन सर, प्लीज। बॉस, हम लोग इस दुकान में क्या कर रहे हैं? बेवकूफ, नया मिशन, नया गेटअप, चतुर सिंह चतुर सिंह। मुर्गा अंडा देगा दो, ऐसा सोचे मैं हूँ वो। हेला, मुर्गा और अंडा कभी सुना है क्या? मुर्गा अंडा देगा दो, ऐसा सोचे मैं हूँ वो। मेरी अपनी मर्जी है, मैं जो चाहूं कर दूं वो। आई एम चतुर सिंह 2-स्टार, चतुर सिंह 2-स्टार, आई एम चतुर सिंह 2-स्टार, आई एम चतुर सिंह, सिंह 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 सिंह, आई एम चतुर सिंह 2-star, Chatur Singh, 2-star, I am Chatur Singh.
ये एरिया मैंने पूरा चेक कर लिया है, ये एरिया एकदम सुरक्षित है, नो प्रॉब्लम। मेरे होते हुए यहाँ परिंदा पर भी नहीं मार सकता। ए, ये क्या है? डरो मत, ये मुर्गी है। मैंने सोचा ये चील होगी, लेकिन नो, मुर्गा अंडा देगा। जो सुपरमैन मेरा चेला है, कबड्डी मेरे संग खेला है, स्पाइडरमैन कल ये बोला था, यहाँ तो चतुर सिंह का मेला है। येड़ा पेड़ा खाएगा, गुंगा मन में गाएगा, उल्टी गंगा बहती है, बहती है तो बहने दो। अच्छा पुतला यार। I am Chatur Singh, two-star Chatur Singh. Boss? Boss? Boss, come on, boss. Bevakoo, tune dekha? Usne hame pehchana tak nahi. Dhanyavaad, Chatur Singh!